हेलो वियर्स, क्या आप अपने लटकते हुए पेट से परेशान हैं? तो 10 दिन में अपने लटकते हुए पेट को स्पार्ट करें। आज मैं आपको ऐसी एक येलो कलर की ड्रिंक बनाना बताऊंगी, जिसे पीने से आप अपना वजन 10 ही दिन में कम कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है, जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, क्या आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं? बहुत सारी एक्सरसाइज भी करके देख ली, बहुत सारे डाइट प्लान भी फॉलो कर लिए हैं, लेकिन वजन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तोंद है कि बढ़ती ही जा रही है, थाई फैट बढ़ता जा रहा है, आर्म फैट बढ़ता जा रहा है, या फिर आपकी स्किन का ग्लो कहीं खो गया है और आप बहुत सारी रेमेडी ट्राई करके थक चुके हैं, स्किन का ग्लो वापस नहीं आ रहा है, बालों में शाइन नहीं है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, या फिर डाइजेशन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत लो है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, एसिडिटी, गैस या अपच आपको हमेशा रहती है, तो आज की इस वीडियो सॉल्यूशन की तरह है। इस वीडियो में जो मैं आपको यह येलो टी बनाने वाली हूँ, यह आपको मॉर्निंग में खाली पेट लेनी है और शाम को 4 से 5 बजे के बीच भी ले सकते हो। जो भी परेशानियाँ मैंने अभी आपको बताई हैं, चाहे वह कोई भी हो, यह सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है यह टी। सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सिंपल है इसे बनाना, और इसे बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वह आपके घर पर ही मिल जाएंगी। आपको फैट लो सप्लीमेंट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डाइटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यह टी आपने पीनी है। इसे बनाने के लिए पहली चीज़ जो आपको चाहिए वह है ऑरेंज यानी संतरा। हमें ऑरेंज का छिलका चाहिए। सर्दियां अभी जाने ही वाली हैं और ऑरेंजेस भी जाने वाले हैं। ऑरेंज का छिलका ज़रूर सेव करके रख लीजिए इस रेमेडी के लिए। अभी तो हम इसका फ्रेश छिलका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब गर्मी आने वाली है तो हम इसके छिलके को सुखाकर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसको हम यह टी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इस टी को बनाने के लिए आपको लेना है आधे संतरे का छिलका, अच्छे से धोकर लेना है, और अब आपको लेना है लगभग 1 से 2 गिलास पानी। इस पानी में आपने ऑरेंज के छिलके डाल देने हैं। ऑरेंज का छिलका इस रेमेडी का स्टार इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि ऑरेंज के छिलके में होता है पेक्टिन। यह क्या करता है, जिद्दी से जिद्दी फैट को पिघलाने का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, विटामिन सी होता है इसमें, इसमें ढेर सारे और साथ साथ सैक्यूल और इनसैक्यूबल फाइबर होता है, जो कि आपकी डाइजेशन से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, और ऑरेंज के छिलके में ऑरेंज से भी ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि आपकी स्किन पर चमक लेकर आते हैं। कोलेजन को बढ़ाता है ऑरेंज का छिलका। अगर मैं आपको बता दूं, एजिंग की वजह से स्किन ढलती जा रही है, रिंकल आने लगते हैं, तो संतरे का छिलका आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह से चाय बनाकर पीजिएगा आप, और साथ ही साथ बालों में शाइन नहीं है तो भी यह ऑरेंज छिलका बड़े काम का है। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, या यह तो यूरिक एसिड के डिपॉजिट की वजह से होता है, या फिर अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से होता है, तो यह ऑरेंज का छिलका जिससे यह टी बनाने वाले हैं, यह आपके यूरिक एसिड डिपॉजिट को भी कम करता है, और साथ ही साथ जो इन्फ्लेमेशन हो गई है अंदर जोड़ों में, जो सूजन हो गई है उसको भी दूर करता है। जिन लोगों को सूजन वाला मोटापा है, जिन लोगों के शरीर में वाटर रिटेंशन हो जाता है, उनके लिए भी यह ऑरेंज टी बहुत बहुत अच्छी है। तो ऑरेंज के छिलके को इसके अंदर डालने के बाद अगली चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है वह है 2 लौंग। लौंग क्या करेंगे, लौंग आपके शरीर से इन्फ्लेमेशन तो हटाएंगे ही, साथ ही साथ लौंग में दर्द निवारक प्रॉपर्टीज होती है। जोड़ों का दर्द जिनको रहता है, जिनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम होता है, उसकी वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो लौंग क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देंगे, जिससे आपका फैट जल्दी से कम होगा। तीसरी चीज़ जो आपने इसके अंदर ऐड करनी है वह है 2 इलायची। इलायची क्या करेगी, इलायची आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगी। स्ट्रेस की वजह से आपके चेहरे का ग्लो भी चला जाता है, और स्ट्रेस की ही वजह से आपके बाल भी गिरने लगते हैं, और स्ट्रेस की वजह से ही आप अनाप शनाप खाने लगते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं,
जिसकी वजह से मोटापा आ जाता है। इसलिए स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों का रीजन है। तो इलायची आपके स्ट्रेस को दूर करती है। साथ ही साथ यह जो टी हम बनाने वाले हैं, यह रात को अच्छी नींद लेने में भी सहायक होती है, क्योंकि यह टी पीने से आपके ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होंगे, जो आपको अच्छी नींद लाने में सहायक होंगे। इन सभी चीज़ों को हमने पानी में उबाल लेना है। तब तक उबालना है जब तक पानी एक कप न रह जाए। पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा। उबलने के बाद इसे छान लीजिए। जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा शहद। शहद भी एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। आपके शरीर, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और बालों में शाइन लाएगा, और साथ ही साथ वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है शहद, क्योंकि हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स को फ्लैश आउट करता है, हमारी बॉडी को डिऑक्सीफाइड करता है। याद रखिएगा, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर की बीमारी है, वह हनी इसके अंदर मिक्स नहीं करेंगे। वह हनी की जगह इसके अंदर दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे। अब यह चाय बनकर तैयार है और इसे पी लीजिएगा। इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। अगर दिन में 2 बार पियोगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 15 दिन में ही आपको परिणाम दिखने लग जाएंगे। आपकी स्किन ग्लो करेगी। आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसके अंदर कैंसर विरोधी तत्व भी होते हैं। यह कैंसर के सेल्स को मारने का काम भी करती है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है, क्या आप अपने लटकते हुए पेट को 10 दिन में स्पार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जहाँ भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। मिलते हैं कल ऐसे हेल्थ वीडियो, ब्यूटी टिप्स के साथ। स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। बाय बाय।